मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोग के साथ ट्रोपोस्केटर वेव प्रोपोगेशन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह रेडियो वेव प्रोपोगेशन सीरीज का सिक्स एवं लास्ट लेक्चर है, तो अभी तक अगर किसी ने बाकी के पांच लेक्चर स्किप किए हैं तो उसे भी देख लीजिए, जिससे कि रेडियो वेव प्रोपोगेशन को विस्तार पूर्वक समझ में आ जाए। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ट्रोपोस्केटर क्या होता है, वो किस फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको दूर कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं ट्रोपोस्केटर वेव प्रोपोगेशन को विस्तार पूर्वक। ट्रोपोस्फेरिक स्केटर को हम ट्रोपोस्केटर भी बोलते हैं। यह एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम माइक्रोवेव रेडियो ईएम वेव ट्रांसमिट करते हैं और इसका रेंज होता है 300 किलोमीटर या 190 माइल, और इसको रेंज को बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, टेरेन या क्लाइमेट फैक्टर पे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ट्रोपोस्फेरिक स्केटर या ट्रोपोस्केटर एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं ईएम वेव, और वो भी किस रेंज में होना चाहिए, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में होना चाहिए, और इसका जो रेंज होता है वो 190 माइल्स या 300 किलोमीटर होता है। अब रेंज को हम डिपेंड किस पे करता है, टेरेन या क्लाइमेट फैक्टर ऑफ एटमोसफेयर पे। अभी क्लियर होगा इसका डिफिनेशन, ये ऑपरेट करता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये वर्क करता है ट्रोपोस्फेरिक स्केटर फेनोमेना, और नाम ही बता ट्रोपोस्केटर मतलब क्या, ट्रोपोस्फेरिक लेयर से स्केटरिंग करेगा। प्रोसेस क्या होगा, स्केटरिंग, लेयर कौन सा होगा, ट्रोपोस्फेरिक, जैसे इसका नाम रखा गया ट्रोपोस्केटर या ट्रोपोस्फेरिक स्केटर। तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ट्रोपोस्फेरिक स्केटर फेनोमेनन। तो मतलब क्या है, रेडियो वेव्स जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में हम ट्रांसमिट करेंगे वो रेंडमली स्केटर होगा जैसे जैसे वो पास करेगा अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर से। तो जब हम रेडियो वेव्स या ईएम वेव्स, हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ईएम वेव्स या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ईएम वेव्स को हम पास कराएंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो वो स्केटर होगा कहाँ पर, अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर पे, जैसे जैसे वहाँ जाएगा वो स्केटरिंग प्रोसेस करेगा। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को सिंपल वर्ड में समझें तो स्केटरिंग ऑफ ईएम वेव्स थ्रू ट्रोपोस्फेरिक लेयर कह सकते हैं, या यहाँ पर स्केटरिंग ऑफ ईएम वेव्स इन ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू कॉमन वैल्यू, एक टर्मोलॉजी लाइक कॉमन वैल्यू। कॉमन वॉल्यूम क्या था उसको समझेंगे, कि हम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या था, कि कॉमन वॉल्यूम से ट्रोपोस्फेयर में स्कैटरिंग, यही इसका प्रिंसिपल है। तो हम जानेंगे कॉमन वॉल्यूम क्या था, टर्बुलेंस वर्ड सुनेंगे, अगर कभी आप शिप उप गए होंगे या मूवी देखे होंगे जिसमें बताता कि टर्बुलेंस इफेक्ट आ रहा है, आप लोग जोर से पकड़ के पेटी बांध लें, आपको बेल्ट बांधने का नसीहत दिया जाता है। तो वो टर्बुलेंस क्या होता है, इरेगुलर एटमोस्फेरिक मोशन, मतलब आपको स्मूथ चल रहा था, एक स्पीड से चल रहा था, अचानक बहुत तेज स्मूथ एटमोसफेयर में मोशन हो जाए, या कह सकते हैं वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट में वाटर का मोलिकुल्स में वाटर कंजम्पशन अलग अलग होगा, उसके कारण डेंसिटी चेंज होगा और हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा, वही मीडियम मिलकर हमको क्या बनाएगा, कॉमन वॉल्यूम। तो क्या बोल रहा है, इन ट्रोपोस्फेयर द मोलिकुल्स हैविंग डिफरेंट टर्बुलेंस विल फॉर्म कॉमन वॉल्यूम, वही कॉमन वैल्यू विच विल स्केटर ईएम वेव डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कॉमन वॉल्यूम उस पे डिपेंड करके वो स्केटर करेगा, स्केटर डिफरेंट टाइप करेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यही कॉमन रीजन जो है वेयर द एंटीना बीम्स इंटरसेक्ट इन द एरिया वेयर फॉरवर्ड स्केटर्स टेक प्लेस, इसी कॉमन बीम के एंटीना रेडिएशन करेगा और उसका क्रॉस सेक्शन पे हमारा फॉरवर्ड स्केटर टेक प्लेस होगा, उसको हम समझेंगे सबसे। ये हमारा ट्रांसमिटिंग रिसीवर एंटीना है और ये रिसीविंग है, और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना में दोनों खूबी है कि वो ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है, रिसीविंग एंटीना में भी दोनों प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ को ट्रांसमिट किया, ये शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रांसमिट किया, उसी तरह ये लॉन्गेस्ट पाथ को पास्ट किया और ये शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रांसमिट किया। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट पाथ, ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों तरफ से ट्रांसमिट किया, दोनों इंटरसेक्ट किया, ये पोर्शन में इंटरसेक्ट किया, ये एबव, हमको ऐसे इसको डायरेक्ट करना है कि एबव होरिजिन ये इंटरसेक्ट करे, और वहीं पर हमारा क्या मिलेगा, अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में क्या मिलेगा, कॉमन वैल्यू। अब इससे ये रे टकराने के बाद क्या क्या हो सकता है, या तो ये कोई स्केटरिंग निकले सीधे निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, नो स्केटरिंग, या ये इस डायरेक्शन में स्केटरिंग हो, तो इसको स्केटरिंग का हमको कोई मतलब है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस्ट स्केटर, क्योंकि ये तो स्काई में इवन स्पेस में चला जा रहा है, या इधर आए पर रिसीवर की तरह ना आए, उसको अर्थ की तरफ आए पर रिसीवर की तरफ ना जाए, उसको बोलेंगे बैक स्केटर, वहीं अर्थ की तरफ भी जाए और रिसीवर की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्केटर, रिसीवर की तरफ जा रहा है। तो यही हमको चाहिए, फॉरवर्ड स्केटर वाला ही पोर्शन हमको
रिसीव करना है। तो अब देख सकते हैं कि ये क्या है, लॉन्ग ये शॉर्टेस्ट रूट से आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट रूट से आ रहा है, ये बीच में भी कोई रूट फॉलो कर सकता है, थोड़ा इधर से भी आ सकता है, थोड़ा इधर से भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमको डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आएगा। अब इसी को हम डिटेल में अगला स्लाइड से जानेंगे। क्या है ट्रोपोस्केटर सिस्टम, हैज एन एंटीना एट बोथ इन दोनों साइड एंटीना रिसीविंग, और दोनों एंटीना कैपेबल क्या ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल, दोनों को हम एम करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट इन ट्रोपोस पे स्लाइटली अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट को चूज करते हैं, वहां पर दोनों एंटीना को एम करते हैं और वहां सिग्नल दोनों क्या हुआ, जो कॉमन सिग्नल जो टकराएगा उसको वहां पर कॉमन वॉल्यूम फॉर्म होगा। ठीक है, व्हेन ए सिग्नल इज एम टुवर्ड्स ट्रोपोस सम पार्ट ऑफ द रेडियो सिग्नल स्कैटर बैक टू अर्थ ड्यू टू फॉरवर्ड स्कैटरिंग। अब यहाँ जब कॉमन वॉल्यूम फॉर्म हो वहां से टकरा के हमको कुछ पार्ट ऑफ सिग्नल कहाँ हमको बैक अर्थ आएगा, जिस जो कहलाएगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो रिसीव होगा। ठीक है, अब क्या बोला, ये रिटर्निंग सिग्नल है रिसीव्ड बाय रिसीवर होगा, ये रिसीवर रिसीव करेगा। नेक्स्ट कहते हैं लेकिन जो रिसीव करेगा ट्रोपोस्केटर प्रोपोगेशन में वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन होगा सिग्नल का। ठीक है, ओनली स्मॉल सिग्नल स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिग्नल स्केटर फॉरवर्ड एंड चेंज द सेव, बस एक छोटा मात्र सिग्नल ही रिसीव होगा रिसीव पर, बाकी मैक्सिमम सिग्नल मेजर पार्ट ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा, या तो स्पेस हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा स्पेस में, या रिफ्लेक्ट अदर अदर डायरेक्शन जहाँ रिसीवर नहीं है, मतलब जो एक इसमें से एक एक मिनिमम बहुत छोटा अमाउंट हमको फॉरवर्ड करेगा, लेकिन बाकी क्या होगा, या तो इधर लॉस्ट हो जाएगा या तो इधर किसी किसी इधर उधर डायरेक्शन में हमको स्केटर हो जाएगा, जो हमको रिसीवर की तरफ नहीं है। ठीक है, अब क्या है, जो रिसीवर की तरफ आ भी रहा है उसमें भी हम आपको बताया कि क्या है, या तो वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर सकता है या लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करता है या कुछ उसके मिडिल का पाथ फॉलो करके हमको रिसीव हो सकता है। तो क्या है, वो मल्टीपल पाथ चूज कर रहा है, मल्टीपल पाथ से आ रहा है और हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो इसके कारण फेडिंग अकॉर्ड होता है। फेडिंग क्या होता है, या बोल रहे मल्टीपाथ फेडिंग, तो मल्टीपाथ फेडिंग होता है क्या, वेरिएशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीवर ड्यू टू मल्टीपल रिसीवर। अब डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आया, तो आपको पता है अगर जो डिस्टेंस ज़्यादा लेगा उसका सिग्नल लॉस्ट ज़्यादा होगा, और जो डिस्टेंस कम चूज करेगा वो जल्दी पहुंचेगा। डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा हमारा सिग्नल लॉस्ट ज़्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ कमता है, तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होगा उस अनुसार से हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ चेंज होगा, तो हमको जो रिसीव होगा उसका सिग्नल स्ट्रेंथ भी वेरी पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पाथ से आ रहा है तो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग इसके लिए हमको क्या है सिग्नल डिस्टेंस अलग अलग होगा सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है हमको अलग अलग स्ट्रेंथ हो रहा है, जो बहुत कम भी हो, एक तो ऐसे बहुत कम क्वांटिटी में रिसीव हो रहा है और ऊपर से अलग अलग पाथ से आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम को हमको दूर करेगा फेडिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम को डाइवर्सिटी रिसेप्शन। तो दो तरह का डाइवर्सिटी करते हैं, एक तो करते हैं स्पेस डाइवर्सिटी जो मेनली लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन में करता है, वैसा जगह पर जहाँ पर हमको मतलब रूरल एरिया जहाँ पर हमको वायर वायर बिछाने का जगह नहीं, फॉरेस्ट एरिया माउंटेन हिली एरिया हल्का, तो वहाँ पर हम स्पेस डाइवर्सिटी का यूज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी हम वहाँ यूज करते हैं जैसे शिप टू शिप, शिप में शिप टू शिप कम्युनिकेशन करना हो तो हम कहाँ फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी यूज करते हैं। ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं ट्रोपो कुछ पॉइंट और देखते हैं। ट्रोपोस स्केटर कम्युनिकेशन यूज फॉर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ओवर द ओरिजिन। हम इससे पिछला जो पढ़ते हैं स्पेस वेवफॉर्म, इसको क्या होता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इसको क्या बोलेंगे बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या ओवर द ओरिजिन, क्योंकि ओवर द ओरिजिन हम डायरेक्ट करते हैं एंटीना को कि वहां पर हमारा कॉमन वॉल्यूम फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या है एक तरह का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है बिटवीन रिमोट ज्योग्राफिक एरिया, रिमोट एरिया में है वैसा जगह जहाँ केबल लिंक्स आर नॉट फिजिबल। ठीक है, वहाँ हम सेटेलाइट भी यूज कर सकते हैं लेकिन सेटेलाइट ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम ट्रोपोस्केटर यूज कर सकते हैं, एक रिलायबल है। ठीक है, ये जनरली ऑपरेट करता है 900 मेगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़ और 4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में। ये सारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, तो जो बेस्ट होता है ये 2 गीगाहर्ट्ज़ होता है जिस पे ये ऑपरेट होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्पेस डाइवर्सिटी। ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये सिग्नल ट्रांसमिट किया, अब हमको रिसीवर है, तो स्पेस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आया तो हम डिफरेंट डिफरेंट रिसीवर का यूज करेंगे। यहाँ हम 3 रिसीवर का यूज करें, वो क्या है सिग्नल को रिसीव करेगा, और सिग्नल रिसीव करेगा यहाँ देखिए कोई फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं, इसका मतलब ये क्या है पूरा होल फ्रीक्वेंसी कोई रिसीव करेगा। अब रिसीवर फर्स्ट सपोज कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, रिसीवर सेकेंड वाला किया, ये किया, वो पूरा होल फ्रीक्वेंसी को किया और वो सब एक ही है रिसीवर, सिर्फ रिसीवर लिखा क्योंकि सब होल फ्रीक्वेंसी कोई इसको ट्यूनिंग नहीं किया, पूरा जितना फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको रिसीव कर सकता है। इन तीनों का आउटपुट को हम कंबाइनर में दिए, जो तीनों का आउटपुट कंबाइन किया जो लेट आया या कुछ आया उसके अनुसार ये ऑपरेट करेगा, उसका आउटपुट को हमको पावर एम्पलीफायर में देगा और आउटपुट आएगा। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जो सिग्नल आया वो हम डिफरेंट डिफरेंट रिसीवर में रिसीव किए, उसको कंबाइनर में दिए, वो कंबाइनर का आउटपुट हमको सिंगल आउटपुट देगा डिफरेंट पाथ को मिलाकर। ठीक है, कंबाइनर मल्टीप्लेक्सर हो सकता है। ठीक है,
और वो आउटपुट हमको जो देगा वो पावर एम्पलीफायर में देंगे, जिससे कि वो लो स्ट्रेंथ को हाई स्ट्रेंथ में बना देगा और वो हमको आउटपुट में देंगे। इस तरह से हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो पाथ से आया सिग्नल को हम एक साथ कंबाइन करके इफेक्टिव आउटपुट निकाल सकते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में क्या करते हैं हम कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया सिग्नल एक ही रिसीवर यूज करेंगे, लेकिन एक रिसीवर जो रिसीविंग एंटीना होगा उसमें अलग अलग रिसीवर पे यूज करके उसका ट्यून करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको रिसीवर वन को हम ट्यून करें FC1, मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिसीव करेगा, दूसरा रिसीवर को ऐसे ट्यून करेंगे वो दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिसीव करेगा, तीसरा रिसीवर को ऐसे ट्यून करेंगे कि वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ रिसीवर को रिसीव करेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ये एक ट्रांसमीटर हुआ रिसीव हुआ सिग्नल, उसमें से हमारा डिफरेंट रिसीवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को कंपोनेंट को रिसीव कर रहा है। सपोज हमारा पाथ के कारण हमारा एक आया 2 GHz वाला, तो ये सपोज रिसीव किया, एक आया 3 GHz ये किया, एक वन आया ये किया। अब पाथ को भी करें लेकिन ये उसी को रिसीव करेगा। अब इसका जो आउटपुट होगा, इन तीनों का जो आउटपुट आएगा जो रिसीव करेगा सिग्नल, उसको हम कंबाइनर में देंगे, जिससे कि हमको उन तीनों का हमको सिग्नल क्या है, ट्रांसमिट तो हम एक ही सिग्नल किए हैं, एक फ्रीक्वेंसी बैंड किए हैं, उसको अलग अलग भले रिसीव कर रहे हैं, फिर उसको कंबाइनर क्या करेगा एक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर पावर एम्पलीफायर को देंगे जो उसका पावर को बढ़ा देगा और फिर हम उसको आउटपुट देंगे। इस तरह से हम क्या है फीडिंग इफेक्ट के से जो स्ट्रेंथ लो हो रहा है या जो मल्टीपाथ प्रोपोगेशन के कारण जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा ये इसका सारा कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर किसी को माइन्यूट डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।